मैं आज आपको कंप्रेसर की जो वाइंडिंग होती है उसको क्लेमीटर, इसको क्लेमीटर बोला जाता है। तो क्लेमीटर की क्या है, कंप्रेसर को कैसे चेक करते हैं, या फिर उसकी जो वाइंडिंग होती है उसमें अपने को स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन कौन सा है, वो क्लेमीटर की सहायता से अपन कैसे उसको पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एकदम लाइव प्रैक्टिकल कंप्रेसर के साथ, क्लेमीटर के साथ आपको कंप्रेसर पूरा प्रॉपर तरीके से चेक करना बताऊंगा लाइव। आप लाइव से वीडियो को देखते रहे। ये कंप्रेसर के तीनों टर्मिनल है। ओके, तो मान लीजिए अभी तो क्या नॉर्मल है, तो अभी लोगों को बहुत सारे के मन में होता है ये कॉमन है, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है, ठीक है। तो अभी इसको ये वास्तव में कॉमन कौन सा, रनिंग कौन सा, स्टार्टिंग कौन सा है, अपन इन्हीं टर्मिनल से पता कर सकते हैं। और क्लेमीटर की सहायता से अपन यहाँ से उसको प्रॉपर चेक भी कर सकते हैं कंप्रेसर खराब है या नहीं है, जो क्लेमीटर के लेवल तक के वो। तो सबसे पहले आपको क्लेमीटर को ये अपना 20K। ओके, अब इसको आपस में टच करके देख लेना, आपको बजर पे करके देख लेना, ये मतलब ये बजा रहा है ये आपका। ओके, बजर पे सेट करके आपको देख लेना है। ओके, ये हो गया। अब मुझे नहीं पता इसके अंदर ये कंप्रेसर, सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं ये ओके है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है एरिया कॉमन, और ये आप कंप्रेसर वहीं पे भी अगर कलर है तो इसको घिस के आपको यहाँ पे टच करना है। तो अगर ये कंप्रेसर शॉर्ट होगा, इसके बाद जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट होगी, तो ये कंटिन्यूटी ऐसे बीप की आवाज करेगा आपस में। तो ये इसके साथ नहीं कर रहा है, मतलब ये वाली वाइंडिंग इसकी ओके, इस वाले के साथ भी ये आवाज नहीं कर रहा, मतलब ये वाला भी बॉडी अर्थ नहीं है कंप्रेसर अपना, और ये वाला भी नहीं कर रहा है, तो कंप्रेसर अपना बॉडी अर्थ नहीं है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा जो कंप्रेसर की जो वाइंडिंग होती है, जो कंप्रेसर है वो मीटर से कैसे अपन पता सकते हैं इसको, या खराब है या नहीं, प्रॉपर जो रेजिस्टेंस आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए। अब आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे टर्मिनल है, अब मैं इसको ये और ये चेक कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है 20 आ रहा अपना, ठीक है। अब मैं इसको और इसको चेक कर रहा हूँ, तो कितना आ रहा है 29, वो आ रहा था 20 और ये आ रहा है 29.9। अब मैं इन दोनों को चेक कर रहा हूँ, ये मैंने इन दोनों को चेक किया, तो ये सॉरी यहाँ थोड़ा 47 आ रहा है, मतलब 29 और 20 ये प्रो फोर 49 के समथिंग, तो 49 आना चाहिए था, तो 48, 47, 45 अगर आ रहा है तो ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इन दोनों चेक करने वाले, इन दोनों की जो दोनों की वैल्यू प्लस करेंगे इन दोनों से सेम आनी चाहिए। ओके, ये तो अपना टेस्ट हो गया, अभी कंपर्सर किलोमीटर से ओके है। अब अपने को रनिंग कौन सा, स्टार्टिंग कौन सा, कॉमन कौन सा, ये पता करना है। तो मान लो अपन ने ये वाला चेक किया, तो ये आ रहा है 20.8 आ रहा है, ठीक है। ये वाला चेक किया तो आ रहा है 30, मतलब इस वाले का ज्यादा आ रहा है, इस वाले का कम आ रहा है, और इन दोनों को करें तो सबसे, इन दोनों का अगर मैं कर रहा हूँ सबसे हाईएस्ट आ रहा है, तो अपना ये स्कोर आ गया, जिसका एकदम कम आ रहा है वो तो अपना कॉमन है, मतलब ऊपर वाला कॉमन है। अब अपने को ये देखना रनिंग कौन सा, स्टार्टिंग कौन सा, तो ये आ रहा है 20, तो ये आपका रनिंग है। स्टार्टिंग की जो रेजिस्टेंस वैल्यू वो सबसे हाई होती है, और मैं अब इसको चेक कर रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है, ये 29 आ रहा है, मतलब इसकी इसको इसको कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये स्टार्टिंग है अपनी, और इन दोनों को कर रहा हूँ तो ये कम आ रहा है, तो ये रनिंग है, और ये वाला अपना कॉमन है, तो ये शोर हो गया जाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कंप्यूटर से चेक करने में मीटर की सहायता से, या फिर कस्टमर वगैरह प्रैक्टिकल जैसे, अगर आपके पास मीटर नहीं है कि कंप्रेसर कैसे इसको चेक करते हैं कैसे क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, आपके जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको उसका प्रॉपर जो भी होगा उसको लेके मैं अगला अपना वीडियो तैयार कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों।